और चलिए आगे बढ़ते, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की और जिले में विकास कार्यों की समीक्षा भी उनकी तरफ से हुई। साथ ही जिले की कानून व्यवस्था का भी हाल उनको उन्होंने जाना और राज्यसभा सांसद ने जिले की कानून व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। साथ ही उन्होंने जिले के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए प्रयास करने का भरोसा भी दिया और इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अफसरों के तालमेल पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच तालमेल को लेकर जो जरूरी है वो भी उन्होंने बताया। साथ ही समीक्षा हर एक तरीके से सांसद के द्वारा की गई। फिरोजाबाद के सभी माननीय अधिकारियों के साथ प्रदेश जिले की स्थिति के बारे में एक समीक्षा हुई है और मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि हमारा फिरोजाबाद जून में स्टेट में और तमाम मामलों में, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे योजनाओं के परिपालन की बात हो, बहुत प्रगति की है और बहुत सारी चीज़ों में नंबर एक स्थान पर है। मैं जिले की पूरी टीम को और डीएम साहब के नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अभी हमने फिरोजाबाद के लिए ASI से बात करके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बात करके कि जहाँ जो पुरातत्व महत्व के विषय हैं उनमें क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। अभी पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी से भी मैं चर्चा की, एक पत्र लिखवाया है और उसमें हमने कहा है कि चंद्रवार गेट पर जो जैन मंदिर है वहाँ पर किस प्रकार से पर्यटन की समुचित व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ 3-4 लाख लोग हर साल आते हैं। तो ऐसे स्थान पर वहाँ द्वार बने, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन से संबंधित यात्रियों के रहने और जाने और सब प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक प्रकार की हो, ऐसा एक पत्र लिखा और उन्होंने इसकी सहमति भी दे दी।